घुमारवीं मस्जिद में निजामुद्दीन मस्जिद से तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति नहीं ठहरा था। पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन करने के बाद ये सामने आया है कि संबंधित मस्जिद में संबंधित व्यक्तियों के ठहरने की गलत सूचना दर्ज करवाई गई थी, जिस पर थाना घुमारवीं पुलिस ने मस्जिद के मौलवी, मस्जिद का रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्ति और एक सब्जी विक्रेता को कोरोना वायरस को लेकर झूठी अफवाह फैलाने के मामले दर्ज किए हैं। डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित व्यक्तियों के बारे में मस्जिद के मौलवी से उनके नाम मस्जिद के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की बात कही थी कि वे लोग 19 व 20 मार्च को इस मस्जिद में रुके थे, जबकि असलियत ये है कि ये लोग दिल्ली में ठहरे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा इस बारे में पूरी छानबीन की गई। ऐसा सोशल मीडिया पे प्रचारित हुआ था कि कोई 3 आदमी जो है वो घुमारवीं में मस्जिद में ठहरे हुए हैं। जो निजामुद्दीन दिल्ली से आए हुए थे, इन तथ्यों की जब पुलिस ने पड़ताल की तो ये बात गलत पाई गई। ये व्यक्ति घुमारवीं नहीं आए थे, लेकिन इनकी जो है वो फर्लों पे इनका जो है वो जिसमें मौलवी है और 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने उसमें सहयोग किया और एंट्री करी गई। हमने पूरी छानबीन कर ली है और इस संदर्भ में जो है वो थाना घुमारवीं में मौलवी और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस इसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जो कोठीपुरा में भी था कि वहाँ जो मौलवी हैं उनके संदर्भ में भी कुछ सूचना थी, उनका भी मेडिकल चेकअप हुआ है और उनको होम क्वारंटाइन में जो है वो रखा गया है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी अफवाहें भी प्रचारित हो रही हैं कि जिनमें जो है वो काफ़ी भ्रम पैदा होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो बाहर से ऐसे घूम रहे हैं, तो कृपया अफवाहों पे ना जाएं। इस प्रकार का जो है वो आप सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं वो कानून के मुताबिक दंडनीय है। पुलिस संदर्भ में जो है वो छानबीन कर रही है। प्रारंभिक छानबीन में जो है वो अब ये सामने आया है कि जैसे रानी कोटला में की घटना के बारे में बताया गया था कि वहाँ कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, पुलिस ने मौके पर जबकि सारी छानबीन कर ली है, इन तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों से भी निवेदन है कि इन अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें और जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की अफवाहें और गलत बातें या भ्रम फैलाएगा उनके खिलाफ जो है पुलिस जो है वो आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो है जरूर करेगी। बताते चलें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के 9 लोगों के घुमारवीं में रुकने का मामला मंगलवार को सामने आया था। इस मामले के सामने आने पर जिला में हड़कंप मच गया था, जिस पर घुमारवीं प्रशासन ने प्रारंभिक छानबीन की थी, जिसमें घुमारवीं की मुस्लिम बस्ती से 3 लोगों के संपर्क में आने की बात सामने आई थी, जिस पर घुमारवीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीनों को होम क्वारंटाइन कर दिया तथा वीरवार को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन तीनों परिवारों को भी होम टाइम पर भेज दिया।